अगर आपने मुर्गी पालन करना चाहते हो या कर रखा हो तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर आप मुर्गी फार्म करना चाहते हो तो मेरा फार्म देख लो। फार्म बनाने का तरीका, सबसे पहले जाली का फार्म बनाइए, जाली चारों तरफ जाली लगाइए। देख लिए मेरा फार्म, एक बार मुर्गियों को मैं बाहर निकालता हूँ। एक बार मुर्गी बाहर निकल जाए, जैसे जाली है ना ऐसे प्रकार का बनाइए। सबसे पहले पेड़ के नीचे बनाइए, अगर आप गर्मी का एरिया था पेड़ के नीचे बनाइए ताकि इनको धूप ना लगे गर्मियों में। और चारों मिनट जाली लगाने के बाद में देखो नीचे ईंटे लगाना चाहिए ऐसे। अगर आपके मुर्गी फार्म के बारे में आपको कोई जानकारी है ज़्यादा तो आप बताने की जरूरत नहीं, वीडियो देखने की जरूरत है। अगर बिल्कुल आप नहीं हो तो आप देख सकते हो अंदर से। आप ऐसे इनको देखो ये लगा दी लकड़ी, ये लकड़ी इसलिए लगा रखा है मैंने, इन मुर्गियाँ उनके ऊपर बैठती हैं। तो और फार्म अगर बनता है तो नीचे देखो छोटे छोटे मैंने फार्म और बना दिए ताकि इनके अंदर मुर्गी अंडे भी दे और बच्चे निकालने में दिक्कत नहीं आए। बस दिक्कत नहीं आए। फार्म के आजू बाजू में छोटे छोटे पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो ये मैंने पेड़ लगाए हैं, बेर की झाड़ी है ये पेड़, ये देखो इस पेड़ों से बहुत फ़ायदा है। इस पेड़ से ये फायदा है कि पेड़ पर पत्ते हैं ना वो गिरते हैं, मुर्गे खाते हैं हरे पत्ते, और इन पर जो कीड़े मकोड़े जानवर बैठ के तो वो ये खाते हैं। और धूप के समय इनके पेड़ों के नीचे इनके बैठ जाते हैं तो इनको छाया मिल जाती है। देखो ये फार्म, वैसे मैं लोहे की शीट का लगाया पर लोहे की शीट का नहीं लगाना चाहिए, गर्मी बहुत पड़ती है लेकिन हमारे लोहे की शीट होती है रास्ता में ज़्यादा। हाँ तो ये पेड़ लगा दिए, ये भी लगाया मुर्गों के लिए ताकि आराम से फिरे। देखो ये देखो मुर्गे अभी कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, फिर इनके लिए थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए। चारों तरफ से जाली लग दो, जाली दिख रही है ना मच्छी वाली जाली, मैंने इसलिए लगा रखी है, हमारी बिल्ली कुत्ता बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने जाली लगा रखी है। देखो वो पेड़ को उसके ऊपर भी लगा रखी है, पेड़ से बिल्ली आ सकती है तब भी, क्या बिल्ली नहीं आ पाएगी। जैसे जाली भी लगानी है, इनको थोड़ा ध्यान रखना है प्रोटेक्शन, यानी कि इनके कुत्ता बिल्ली नुकसान नहीं पहुँचाए। जब आप शुरुआत करते हो तो एक या तीन चार मुर्गों से शुरुआत करो। अगर आपको ज़्यादा ध्यान करनी है तो बच्चे मुर्गे नहीं पालने के साथ एकदम धीरे 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 आप इनकी शुरुआत करो। देखो ये रात के कीड़े आए ना, कीड़े खा रहे हैं, देखो उधर में तो घर का बचा हुआ खाना डाला है वो खा रहे हैं। देखो उस तरफ मेरे मुर्गे ये प्योर देसी असील मुर्गे हैं, मुर्गे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के। एक ये बच्चा देखो ये लेके आए असील का, बहुत एक ही बच्चा मिला है तो उनका अलग रूम बना रखा है हमने, तो बड़े बच्चे उनको इसके अंदर छोड़ देता हूँ। पानी डाल दिया इनको, इसके अंदर जाएंगे बच्चे। तो ये भी चले गए, उनको पता है इधर खाना मिलता है, वो आगे रोटी खा रहे हैं। ये देखो ये देखो ये भी जाएगा, ये भी भाग हो गया। ये इन्हें क्या मैं इनका घर पुराना घर ही है, ये देखो खा रहे खाने दो, ये खा रहे हैं। उधर मैंने घर का बचा हुआ खाना डाला था ना, रोटी चावल दावल जो भी है वो खा रहे हैं। ये देखो इस रात को कीड़े आए थे, इधर कीड़े खा रहे हैं। जो तुम्हें बता रहा था अगर आप पालन करना चाहते हो तो आप फिर देखो, मैं इधर भी जो जाली लगा रखी ठेर तक चारों तरफ जाली लगा रखी है, वो फसल खड़ी हुआ अपनी लोहे की जाली है, बिल्ली अंदर नहीं आ पाएगी। इधर ये साजन के पेड़ लगा दिए मैंने, इनके पत्ते बहुत खाते हैं, बेर की झाड़ी है, झाड़ी के तो लगते हैं ना छोटे छोटे ये फसल के आते हैं ना, बेर लगने के आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं फाल बोलते हैं क्या, वो आते हैं वो खाते हैं नीचे गिरने से खा लेते हैं। तो सबसे पहले आप उनकी प्रोटेक्शन या इनके लिए रहने के लिए जगह, इन्हें घूमने के लिए जगह चुनाव करो देसी मुर्गों के लिए। तो यहाँ इसे जरूरी नहीं कि इतना बड़ा हो, जितना भी आपको होता है, मतलब घर की छत ना मकान की छत होती है ना पक्की, अगर वो भी सही है उस पर आप पाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेरे तो इतने, मेरे तो क्या थोड़ा बड़ी जगह, इसलिए मैंने इनको इतनी दूर मैंने कर दिया इनको। खाली बाल्टी कुछ कह रहा है, सामने मैंने थोड़ी फसल भी बो रखी है, गर्मी के टाइम में पत्ते पुत्ते खाते रहते हैं, थोड़े 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 दिख रहा है सामने। ये मैंने पानी का पाइप लगा रखा है, एक इससे पानी आ जाता है, इनके लिए ये बना रखा है पानी का घर।
तो पहले इनको सबसे पहले इनको रोटेशन, इनके रहने के लिए जगह, इनके स्वास्थ्य के लिए जगह सब चुनाव करके फिर इनको धीरे धीरे पालन करो। एक साथ ज़्यादा बच्चे नहीं ला सकते हैं। अगर हाँ, अगर आप जानकार हो या आपके पास में ज़मीन है, अगर पैसे हैं तो आप ज़्यादा बच्चे ला सकते हैं, लेकिन ये बात थोड़े थोड़े से शुरुआत करो। वैसे तो अभी सर्दी का सीजन आ गया तो इनके अंडे तो बहुत ही बिकते हैं, अंडों का सीजन तो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बहुत ज़्यादा। बस जो पानी हम रखते हैं ना वो थोड़ा साफ सफाई रखना, फार्म की साफ सफाई रखना, जो फार्म होता है ना उनकी साफ बीटे एक दो दिन से साफ करते रहना, क्योंकि वैसे देसी मुर्गी में बीट इतनी बदबू नहीं मारती है, लेकिन वो आपको साफ सफाई रखना है। देखो देसी मुर्गी हमेशा खुले में रहते हैं ना, तो जिसको बोलते हैं फ्री रेंज में, उसमें स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, इतनी कोई नहीं, इतना बहुत अपनी मर्जी से खाते पीते रहते हैं, भागते रहते हैं। देखो अभी इनका पेट भर जाएगा, बहुत जानवर कीड़े मकोड़े कचरा मिलेगा, ज़्यादा नहीं है, मैंने कम कर दिया, अभी मेरे पास वैसे ऊपर थे मैंने कम कर दिया, 40 के लमसम रखे मैंने, क्योंकि इतने ज़्यादा क्या है कि वो फिर झगड़ा करते हैं या आपसे मरते हैं कटते हैं, तो इसलिए मैंने फार्म मेरे पास बहुत बड़ा है, तो उसको दिल्ली ने आवाज़ कर रहा अंदर बच्चे के छोटे बाद मार दी, उसने टाच मारी दी, तो उसने आवाज़ करी है। पानी भर के छोटे बच्चा है उसके लिए पानी भर के रख देता हूँ। अरे किधर भी छोटे बड़ा देह मार रहे हैं, कोई दिक्कत है ना, ये बड़े हो गए असील के बच्चे, देखो वो असील के कहाँ चला गया, वो बाहर जा दिया, मेरा देखो ये आ गया, देखिए बस तो कितने फास्ट कीड़े खा रहे थे रात के, देखो देखो ये देखो ये देखो तो ऐसे आप उनको पाल सकते हो। और मैंने वीडियो बहुत बनाया है मुर्गी पालने के बाद में, कैसे अंडे बच्चे पर बैठाना है, बच्चे कैसे निकलाना है, कितने मुर्गी से कैसे कैसे न, पूरा मेरा अंत का वीडियो बहुत है, वो पूरा वीडियो आप देखो ले, पीछे का वीडियो देखो, मैं सब बना रखा है, एक एक चीज़ बना रखा है, एक एक चीज़ समझा रखी है हर वीडियो में, ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो देखे तब, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मुर्गी पालन कैसे करते हैं, बहुत वीडियो बना रखा है मैंने मुर्गी फार्म के लिए, आप आराम से अपने पूरे अगर वीडियो धीरे धीरे देखिए वीडियो देखो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप देखते रहो। ये देखो बस अभी मैं इनको मैं दिन में छोड़ दूँगा, तो दिन में आराम से अपना घूमते रहेंगे, तो फिर माऊँगा एक बार अंडे ले जाऊँगा उठा के, फिर दोबारा छोड़ दूँगा अपना आप, शाम को उनको गिनती करके चेक करके इधर उधर तो नहीं रहेगा, अंदर वापस फार्म के अंदर कर देते हैं, कोई इनकी मेहनत नहीं, अपना खुद का काम करो। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है तो फिर मुर्गी फार्म के आप चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल ही बिजनेस नहीं है तब आप इनको करो, अगर आप बिजनेस है वो बिजनेस करो, क्योंकि ये बिजनेस धीरे धीरे पलपता है तो फिर आपका वो बिजनेस ख़राब हो जाएगा, पैसे वाला तो कोई करता नहीं है, बिजनेस भी नहीं करता है, ये मुर्गी फार्म को क्यों करेगा, इसके बाद पहले से पैसे इन जो हमारे से नॉर्मल आदमी वो करता है, तो पहले अपना तो 20-30 हज़ार की जो सर्विस है वो करो पहले, वो ठीक अच्छी है, वो करते रहो उसके ऊपर, किन के चक्रों मत पड़ो, ये तो घर वाले भी संभाल सकते हैं इनको, तो जरूर नहीं कि आप करो, घर वालों करके दे दो, फैमिली को करके दे दो, कर लेंगे, ये धंधा भी अच्छा है, बिजनेस से बढ़िया, अभी सर्दी में उसकी बहुत मांग है, आजकल अंडों की बहुत डिमांड है, देसी अंडे मिलेगा मेरे पास, प्योर देसी मुर्गे, बिल्कुल प्योर देसी, देहाती एरिया में मिलते हैं, मैंने काफ़ी सेल कर दी, मेरे पास होते हैं 50 के लमसम मैंने सेल कर दिए, 40 के लमसम मैंने रखे हैं, अब सर्दी में बहुत इनकी डिमांड है, मुर्गे देखो मेरे कितने तंदुरुस्त मुर्गे देखो आप, तो वो रे उस तरफ रहे वो रहे, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, अभी अंडा 50 रुपये में जाता है, लो लगेगा सर्दियों में सोखा हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं, कितने अंडे बिकते हैं इनके,
देखिए।